साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे, पहले मैं आज से लगभग 5-6 महीने तक कमेंट के आंसर देता था वीडियो के माध्यम से। बीच में कुछ बिजी हुए, कुछ टाइम नहीं मिल पाया और वीडियो डालने की वजह से ये सिस्टम मैंने बंद कर दिया। तो अभी साथियों मैं आपसे, मैंने काफ़ी सारे बैक के मैसेज थे उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया है। आगे भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट करें, मैं वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा और हो सके तो सेम डे या सेकेंड डे मैं पक्का देने की कोशिश करूंगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। दुबई से रिलेटेड कुछ मैसेज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, मैं आपका वीडियो के माध्यम से आंसर दे रहा हूं, तो प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोज कुमार जी बोलते हैं, सर दुबई में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है क्या? भाई मेरा दुबई क्या गलत, में कोई भी कंट्री चले जाओ, बाकी दुबई द बेस्ट ऑल वर्ल्ड में, कि आप दुबई में विजिट में आके कन्वर्ट वीज़ा आसानी से करवा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एजेंट आपका सही होना चाहिए, ये सब एजेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कई कंपनियां, लेकिन उसमें टाइम होना चाहिए। आपके पास तीन महीने के वीज़े के बिना तो आना ही नहीं है। अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है, 2 महीने, 1 महीना आपके वीज़ा प्रोसेस में लगता है यहाँ पे, कम से कम महीना कंपनियां अपने ले लेती रिजर्व में, 1 महीना आपके पास होना चाहिए, वीज़ा आराम से लग जाएगा आपका। मुसाद खान बोलते हैं, सर ये बताइए अगर एक बार मेडिकल अनफिट हो गया है, ऑनलाइन भी कर दिया हो, तो दोबारा कितने दिन बाद मेडिकल करवा सकते हैं? तो भाई मैं बता दूं साहिद खान जी कि आपका मेडिकल की एक्सपायरी डेट होती है 3 मंथ। मान लीजिए आज आपने मेडिकल करवाया, उसमें अनफिट हो गया और ऑनलाइन चढ़ भी गया, ठीक है, तो आप 3 महीने तक मेडिकल नहीं करवा सकते। 3 महीने बाद आप दोबारा अपना इलाज करवाइए, या फिर दोबारा मेडिकल आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रवि कुमार जी बोलते हैं, सर पासपोर्ट बनवाते समय पुलिस स्टेशन में केस हो तो भाई देखिए, पासपोर्ट बनवा रहे हो पुलिस स्टेशन में केस होगा, आपकी इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी में आपके पास अंडर प्रोसेस आपका केस चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, या फिर आपका केस में कोर्ट केस इन रनिंग चल रहा है, तो भैया इंक्वायरी में साफ साफ लिखा जाएगा कि आपके खिलाफ केस है, तो इंक्वायरी आपकी अधूरी रह जाएगी, तो पासपोर्ट बन के नहीं आएगा। जब तक आपका केस क्लियर ना हो जाए और कोर्ट से NOC थाने में जमा ना हो जाए, तब तक आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, चाहे वो केस छोटा सा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है भाई। अभी बार मुंशेद बोलते हैं, सर मेरा मेडिकल अनफिट हो गया, प्रॉब्लम एक्सरे में डॉक्टर ने दवाई दी और कहा 10 दिन में दवा खाओ, दोबारा करवा लेना। अब मैं दोबारा मेडिकल कराना चाहता हूँ, क्या मैं गम का स्लिप निकाल कर पहले फॉर्मेलिटी एक्सरे निकाल कर? बिल्कुल भाई, आपको डॉक्टर ने 10 दिन की दवा दी, आपने दवा खा ली और आप दोबारा वहाँ जाओगे, अनफिट हो जाओगे, फिर 3 महीने तक मेडिकल नहीं करवा सकते, तो उसकी नॉर्मल जांच करवा लो कि 10 दिन में आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। वो 500 रुपये में एक्सरे में होती है ज़्यादातर, तो 500 रुपये 700 रुपये में एक्सरा हो जाता है। एक्सरा वो मत करवाना जो वो डॉक्टर करते हैं, एक्सरा विदेश जाने से रिलेटेड अलग होता है, तो वो एक्सरा आपको करवाना होगा, ठीक है भाई। ज्योति शर्मा बोलते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तारीफ पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और मजाक या बुरा बोलने पे ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। ज्योति जी आपकी बात बिल्कुल राइट है, बहुत सारे लोग अच्छी बात बोलते हैं, घमंड नहीं आना चाहिए, और अगर बुरा बोलते हैं तो इग्नोर करके आगे निकल जाना चाहिए। मेरी भी यही थिंकिंग है, क्योंकि अपन जितना लोग बुरा बोलेंगे और उनको लेके बैठेंगे तो माइंड में वही बातें नेगेटिविटी ज्यादा घुसती रहेगी। और यूट्यूब की तो खास तौर ही है साथियों कि कहीं पर भी चले जाओ आप, गलत बोलने वाले, गलत सोचने वाले, गलत लिखने वाले, क्योंकि उनकी मेंटिलिटी ऐसी होती है कि उनका काम ही सिर्फ खुद गलत करते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं, तो वो गलत ही बोलेंगे, उनको इग्नोर कर दो, ये मान लो है ही नहीं, खत्म है, ये कहानी उनकी क्लोज है, उनको छोड़ दो, आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चाहने वाले 80% है, 20% तो कचरा मिल ही जाता है, उनको इग्नोर कर दो। सही बात है आपकी, बिल्कुल, धन्यवाद आपने ऐसी बातें मुझे बताई, थैंक यू इसके लिए। मनीष कुंदाल बोलते हैं, अब दुबई से वैकेंसीज भेजिए कन्फर्म के, जो चार्जेज एजेंट को देने होंगे वो आपको देंगे। भाई माफ करना मुझे इन सिस्टम में मत घसीटो, नहीं मैं घसीटना चाहता, नहीं मैं इसमें पढ़ना चाहता। एजेंट दुनिया भर के भाई, कहीं चले जाओ आपको एजेंट मिल जाएंगे, वो जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपको एजेंट कौन सा मिला, वो सर्चिंग करो पहले आप, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी भैया मैं इस चक्र में नहीं पढ़ने वाला, ओके, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं तो यार वीडियो बना के आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनमें भी लोग बोलते हैं ये तो दलाल है, ये तो कमीशन खाता है, ये तो ये है फलाना ढिमका, उसमें भी लोग एलिगेशन लगा देते हैं, अगर मैं करूँ तो फिर क्या होगा भाई। तो इस चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मेरे को भगवान ने दिमाग दिया है, ऐसे ही बहुत काम है, इससे 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, इतना काम पड़ा है, समझ गए बात को। साहिल कुमार बोलते हैं, सर मैं UAE में हूँ,
जजमान अजमान में फंस गया हूँ, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, इंडिया आना चाहता हूँ, व्हाइट वॉश कैसे बनाऊँ। भाई ये देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि यूएई का कानून इतना सख्त है कि आप किसी को ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। टॉर्चर करने की तो बहुत बड़ी बात है भाई। या हो सकता है आपको इंडिया आना होगा, तो भाई सीधी सी बात है, पासपोर्ट मांगिए, पासपोर्ट नहीं देता है तो एम्बेसी की हेल्प लीजिए, पासपोर्ट तुरंत मिलेगा आपको, एम्बेसी की हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल कीजिए, पासपोर्ट मिल जाएगा। इसमें टॉर्चर करने का इतना झंझट ही नहीं है। आउटपास क्यों बनाना है? पासपोर्ट आपके पास पड़ा है, आपके परमिट पे वीजा लगा हुआ है, वीजा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट में, तो आप और आराम से इंडिया आ सकते हैं, इतना घबराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दानिश खान बोलते हैं, सर मेरा रबाब पासपोर्ट नहीं दे रहा है, मैं इंडियन एम्बेसी में जाकर पासपोर्ट बनवा सकता हूँ क्या, घर जा सकता हूँ क्या? और मैं अभी लीगल हूँ, उन्होंने पैसे भी ले लिए और पैसे लेने के को और पैसा लेने को बोल रहा है, प्लीज हेल्प मी। दानिश भाई मैं बता दूं आपको, देखो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, कहीं कुछ कुछ परसेंट गलत हो जाता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। दुबई में हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं नीच इंसान मिल ही जाते हैं, वो दुबई में हो चाहे इंडिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो वो क्या होता है कि छोटा एक दो कंपनी, छोटा सिस्टम होता है तो वहां ऐसा हो जाता है। तो इसमें आप एम्बेसी की हेल्प लीजिए, वहां डायरेक्ट जाओ, वहां कॉल टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, उनको बोलो मेरा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, या सुरता में 100% समाधान होता है। यूएई कंट्री बहुत शानदार है, अगर यूएई में हो तो बहुत बढ़िया कंट्री है, यहाँ पे 100% आपका समाधान हो जाएगा। आप एम्बेसी हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक भाई है चेतन अरोरा जी, अगर भाई 1200 दरम कमाए और उसको घंटा भी नहीं बचेगा, चेतन अरोरा जी की जैसी सोच है वैसा इन्होंने बोल दिया। भाई मैं बता दूं कि दुबई में 80% लोग 1200 वाले ही हैं और 30 लाख आदमी हैं। मेरी बात गौर से सुनना चेतन अरोरा, आपको बोल रहा हूं मैं, दुबई में 30 लाख प्लस लोग हैं और उसमें 80% लोग 1200 वाले ही हैं, लेबर कैटेगरी के लोग, और आज उनको कईयों को तो बुढ़ापा हो गया है, यहाँ पे कमाते कमाते कई अभी कमा रहे हैं, उनकी फैमिली अच्छे से चल रही है, करोड़पति नहीं बन सकते 1200 में, लेकिन वहां पे भूखे मरोगे ना घर पे, उससे बढ़िया है कि यहाँ 25,000-20,000 रुपये कमा के अपना परिवार गुजारा चला सकते हो। और भाई 1200 में नहीं होता तो हो सकता है फिर आप बड़े बाप की औलाद होंगे, तो आपको ये वीडियो में 1200 लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात को? या फिर हाई स्किल करो ना, फिर अच्छी डिग्री लो, अच्छे प्रोफेशनल बनो, 5,000-10,000 रियाल की नौकरी करो, धर्म की नौकरी करो, कौन मना करता है? तो थोड़ा सा सोच लिया करो यार। आउट ऑफ कंट्री जॉब इन दुबई बोलते हैं, दुबई ओनली एजेंटों के लिए अच्छी है, और यहाँ दुबई में ही हूँ, मुझे तो पता ही है सर यहाँ क्या अच्छा होता है क्या नहीं। तो भाई मैं बता दूं आपको, आउट ऑफ कंट्री जॉब इन दुबई, आपका भी शायद चैनल के नाम से ही आपने ये कमेंट किया है, दुबई अच्छी नहीं होती तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, समझ गए? आप बोलते हो ये एजेंटों के लिए अच्छी है, तो हो सकता है कि आप एजेंट हो, इसीलिए आप बोल रहे हो कि तो एजेंटों के लिए अच्छी, आप वर्कर नहीं हो। दूसरी बात, इंडिया के 30 लाख से ऊपर एम्बेसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 30 लाख आदमी हैं, तो यह क्या झक मार रहे हैं फिर? अगर दुबई वर्करों के 30 लाख एजेंट है क्या? एजेंट तो 500-700 मेरे हिसाब से नहीं होंगे, आपको कितने का एजेंट है दुबई में? तो यार कम से कम कमेंट तो सही लिखो यार, जैसा काम करते हो वैसी सोच भी बना लेते हो। दुबई में 30 लाख आदमी हैं, मैं बता दूं आपको, क्या वो ऐसे ही झक मार रहे हैं? आप बोलते हो कि एजेंटों के लिए अच्छी है, कहां से आ गए एजेंट? अगर अच्छी नहीं होती तो काम लोग क्यों कर रहे हैं फिर यहाँ पे, थोड़ा सोचो भाई। पंकज कुमार सिंह बोलते हैं, जिसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है क्या वो दुबई जा सकता है? भाई ये देखिए, ये प्रॉब्लम बीमारी से रिलेटेड है, हेपेटाइटिस बी, या मेडिकल में ये ब्लड की प्रॉब्लम होती है, जाते ही अनफिट हो जाओगे, इंडिया में अनफिट हो जाओगे, कैसे जाओगे? तो नहीं जा सकते, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पहले इसका इलाज करवाइए, इलाज नहीं होता है तो आप नहीं आ सकते, 4-6 महीने 12 महीने इसका ट्रीटमेंट करवा के आप यहाँ दुबई आ सकते हैं। तो ये साथियों शॉर्ट लिस्ट दुबई से रिलेटेड कमेंट थे, और भी किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपके कमेंट हैं, आज से मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मैं कमेंट का आंसर दूंगा सेम डे या सेकेंड डे, आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी पता लग सके, कोई दिक्कत कोई परेशानी विदेश से रिलेटेड नहीं हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे ही डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।